हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं परेश रावल जी। तो परेश रावल जी जो बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं और बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, इन्हीं को हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? और इन्होंने रिप्लेस किया है अर्जुन देव चरण को। तो अगर बात करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और यह न्यू दिल्ली में स्थित है। यह एक थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम शुरू किया? रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम? तो हाल ही में आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम को शुरू किया गया है आईसीआई बैंक द्वारा। तो आईसीआई बैंक ने हाल ही में आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम को शुरू किया है और इस प्रोग्राम के माध्यम से आईसीआई बैंक जो भी नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं या 10 साल से कम उम्र के हैं उन सभी की मदद करेगा ताकि वह अच्छे से ग्रो हो सके। इस प्रोग्राम के तहत आईसीआई बैंक इन सभी स्टार्टअप्स को रेगुलर असिस्टेंस, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग और कस्टमर एक्विजिशन, और इसी के साथ ही स्टार्टअप्स को यह भी बताएगा कि वह कस्टमर्स तक डिजिटली कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर बात करें आईसीआई बैंक के बारे में, तो आईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी जी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ई गोपाल ऐप का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेट्स ई गोपाल ऐप? तो हाल ही में ई गोपाल ऐप का उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो यह ई गोपाल ऐप किस लिए लॉन्च की गई है? तो इस ई गोपाल ऐप के माध्यम से जो भी किसान पशुपालन करते हैं उन सभी को पशुपालन से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराई जा सकेगी। जैसे कि जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं उन सभी के टीकाकरण की या उनकी ब्रीडिंग की, इन सभी चीजों की जानकारी इस ऐप के माध्यम से मुहैया कराई जाएगी। और यह ई गोपाल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? रिसेंटली विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द वर्ल्ड 48th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म? तो हाल ही में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया की 40वीं सबसे मोस्ट वैल्यूएबल फर्म बन गई है। और अगर बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके सीईओ हैं मुकेश अंबानी जी और फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी 1973 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसी के साथ आपको यह पता होना चाहिए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है एप्पल और दूसरे नंबर पर है सऊदी अरमाको। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने असोल चीनी या असली चीनी अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च असोल चीनी और रियल शुगर कैंपेन? तो हाल ही में असोल चीनी या रियल शुगर कैंपेन लॉन्च किया गया है बांग्लादेश सरकार द्वारा। तो बांग्लादेश सरकार ने इस कैंपेन को इसलिए शुरू किया है ताकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक इंफॉर्मेशन और र्यूमर स्प्रेड होती हैं उन सभी से मुकाबला किया जा सके। आप जानते ही होंगे कि जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है उसमें कई तरह के फेक इंफॉर्मेशन और र्यूमर्स को स्प्रेड किया जा रहा है जिससे गवर्नेंस में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो इसी को
फाइट करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने यह कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन को बांग्लादेश के डिजिटल सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा लागू किया जाएगा और इसी कैंपेन के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दरबार 21.org भी क्रिएट किया गया है। तो अगर बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया हैज साइन अन मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो हाल ही में भारत ने एक मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है जापान के साथ। तो जापान के साथ भारत ने यह मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश की आर्म फोर्सेस एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस पर रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ सप्लाइज के लिए ऑपरेट कर सकती हैं। अगर बात करें इस एग्रीमेंट को साइन किसके द्वारा किया गया, तो यह साइन किए गए हैं बाय डिफेंस सेक्रेटरी, जो इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार, और जापानीज एम्बेसडर सुजुकी सातोशी जी द्वारा। तो अगर बात करें इसी तरह के लॉजिस्टिक एग्रीमेंट क्या और किसी देश के साथ भी है भारत के, तो भारत के इसी तरह के लॉजिस्टिक एग्रीमेंट फ्रांस और यूएसए, साउथ कोरिया, इन देशों के साथ भी हैं। तो अगर बात करें जापान के बारे में, तो जापान के बारे में आपको पता होना चाहिए, जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानीज येन और जापान के पीएम है शिंजो आबे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने एक ऋण उत्पाद सफल लॉन्च करने की घोषणा की? रिसेंटली विच बैंक हैज अनाउंस टू लॉन्च अ लोन प्रोडक्ट सफल? तो हाल ही में सफल नामक एक लोन प्रोडक्ट को लॉन्च करने की घोषणा की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह लोन प्रोडक्ट सफल ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए लॉन्च करेगा, जिन्हें जिनकी अभी तक कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। तो अगर बात करें स्टेट बैंक के बारे में, तो स्टेट बैंक के चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है रजनीश कुमार जी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी AITA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन? तो हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, जो कि गवर्निंग बॉडी है टेनिस की इंडिया के अंदर, इसके नए अध्यक्ष के रूप में अनिल जैन जी को चुना गया है। अनिल जैन जी जो कि एक राज्यसभा मेंबर हैं, इन्हें ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना है गया है। और यह किसको रिप्लेस करेंगे? यह रिप्लेस करेंगे प्रवीण महाजन को। तो अगर बात करें ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए ये गवर्निंग बॉडी है टेनिस की इंडिया के अंदर और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में व्हाट्सएप चैट बॉट आपका मित्र किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? रिसेंटली व्हाट्सएप चैट बॉट आपका मित्र हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक व्हाट्सएप चैट बोट आपका मित्र लॉन्च किया है और इस चैट बोट के माध्यम से हरियाणा के अंदर जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वह अपनी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर बात करें हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के बारे में आपको पता होना चाहिए गवर्नर कौन है हरियाणा के? हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 यानी 10 सीट्स हैं और राज्यसभा की 5 यानी 5। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय बैंकिंग संघ के ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? रिसेंटली विच बैंक हैज टॉप्ड द ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0 ऑफ द इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन? तो हाल ही में इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के ईज यानी इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान प्राप्त किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0 में पहले स्थान पर रहा है। अगर बात करें यह ईज के बारे में, तो ईज यानी इनहेंस्ड
एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस एक तरह के बैंकिंग रिफॉर्म्स है जो कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, और इस इंडेक्स में 120 ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स हैं जिनके द्वारा मेजर करके ही यह इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। और इसी प्रिपेयर इंडेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहला स्थान हासिल किया है, और दूसरे स्थान पर कौन से बैंक रहे हैं, दूसरे स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और तीसरे पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रहे हैं। तो अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन हैं हसमुख आढ़िया जी, और इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात के अंदर। अगर बात करें इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की, तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1946 में, और इसके सीईओ कौन है, इसके सीईओ हैं सुनील मेहता जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। अगर बात करें इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है क्या, तो यह एक बॉडी है जो कि बैंकिंग को मैनेजमेंट करती है इंडिया के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन को। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में पबजी कॉरपोरेशन ने भारत में किस चीनी फर्म के साथ अपनी साझेदारी समाप्त कर दी है। रिसेंटली पबजी कॉरपोरेशन हैज एंडेड इट्स पार्टनरशिप विद विच चाइनीज फर्म्स इन इंडिया। तो हाल ही में पबजी कॉरपोरेशन ने, जो कि पबजी मोबाइल गेम्स को ऑपरेट करती है, इसने इंडिया के अंदर टेंसेंट गेम जो कि एक चाइनीज फर्म है, इसके साथ अपनी साझेदारी समाप्त कर दी है। आपको पता होना चाहिए टेंसेंट गेम्स पबजी के मोबाइल वर्जन को दुनिया भर में पब्लिश करती है। तो इसी के साथ इंडिया के अंदर टेंसेंट गेम्स के साथ पबजी कॉरपोरेशन ने पार्टनरशिप खत्म कर दी है, क्योंकि अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पबजी के ऊपर बैन लगा दिया गया था सिक्योरिटी रीजंस को लेकर। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप संस्कृत ग्राम्स अक्रॉस द स्टेट। तो आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसी के साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।